हाय गाइस, आई एम सीतल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सीतल्स लाइफस्टाइल। मेरी चैनल पे आपका स्वागत है। तो गाइस, मैं आज आपको दिखाने वाली हूँ रूट ब्रिज, जो कि मेघालय सिलंग में है। तो बने रहिए मेरे साथ और एंजॉय कीजिए रूट ब्रिज और टावल टेकर ब्रिज। तो गाइस, हमने अभी हमारा डेस्टिनेशन तक पहुँच गए हैं और चलिए हमारे साथ, हम आपको दिखाते हैं टावल टेकर ब्रिज। तो गाइस चलिए, हमारा ट्रेकिंग अभी शुरू हुआ है। देखिए यहाँ पर कितने टूरिस्ट जा रहे हैं। यहाँ रास्ता तो बहुत अबड़ खबड़ है, फिर भी कोई दिक्कत नहीं, चले चलते हैं। सब लोग तो चलते हैं खुशी खुशी, तो हम भी चलते हैं एंजॉय कर कर के नेचर को। और यहाँ का क्लाइमेट तो बहुत अच्छा है, सनी है, फिर भी बहुत ठंड भी लग रहा है यहाँ, क्योंकि पहाड़ी एरिया है ना। तो गाइस, हम इस रूट ब्रिज के बारे में टीवी में देखा था, मैगजीन में पढ़ा था, चलिए खुद अपनी आंखों में देखते हैं ये ब्रिज कैसे है। और थोड़े आगे टिकट करना पड़ता है और टिकट करने के बाद हमको परमिशन मिलता है रूट ब्रिज देखने को। तो गाइस, हम वहां टिकट करेंगे और उसके बाद रूट ब्रिज के लिए रवा हो जाएंगे। तो गाइस, यहाँ देखिए टिकट का प्राइस लगा हुआ है। तो हमने यहाँ टिकट कर लिया, तो चलिए देखते हैं रूट ब्रिज, लेट्स गो। तो गाइस, हमने रूट ब्रिज तक पहुंच चुके हैं अभी। तो देखिए चलते हैं कैसा है, कभी तो लाइफ में देखा नहीं, पत्थर कंक्रीट के ब्रिज पर हमने चले हैं, कभी रूट ब्रिज लाइफ में पहली बार हमने देखा है। और लगता है शायद ये प्लांट रबर का है, रबर प्लांट की रूट है जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो हमने सुना था कि डबल टेकर ब्रिज है, तो ऊपर वाला ब्रिज शायद टूट चुका है, तो ये सिंगल वाला ब्रिज है। तो चलिए आगे चल कर देखते हैं। तो गाइस, अभी तो हमने रूट ब्रिज के ऊपर चल रही हैं, कभी लगता नहीं कि हम रूट के ऊपर चल रही हैं, पूरा स्ट्रॉन्ग वाला है ये, बहुत स्ट्रॉन्ग है ये ब्रिज। देखिए ये रूट शायद बहुत साल पुराना है, देखिए नीचे देखिए। और इसके नीचे भी एक झरना बह रहा है, शायद एक वाटरफॉल बहुत दूर से इसके नीचे बहकर जा रही है। और चलो हम भी चलकर उस पानी की तरफ जा रही हैं, देखते हैं, थोड़ा सा हमें भी एंजॉय करना है इस झरने की पानी को। बहुत ठंडी ठंडी पानी लगता है, बहुत अच्छा लगेगा और बहुत क्लियर भी दिख रहा है वो पानी। चलिए चलकर देखते हैं। तो गाइस देखिए, यहाँ हमारे बच्चे दौड़ कर जा रहे हैं उस पानी की ओर, वो लोग बहुत एंजॉय कर रहे हैं। और देखिए सभी टूरिस्ट भी यहाँ बहुत एंजॉय कर रहे हैं। ये पानी बहकर कहाँ तक गए हैं तो दिखाई नहीं दे रहा है। तो देखिए यहाँ पानी कितने क्लियर दिख रहा है, बहुत क्लियर है, बच्चे ने उसके पैर डुबा कर खेल रहे हैं यहाँ। तो गाइस देखिए, ये रहा आपका रूट ब्रिज आपके सामने। यहाँ देखिए गाइस, ये सब टूरिस्ट किसे एंजॉय कर रहे हैं रूट ब्रिज को, और मैं भी बहुत एंजॉय कर रही हूँ नेचर को, और आप भी एंजॉय कीजिए मेरे साथ। और मैं आपको एक बात कहना चाहती हूँ, आज तक आपने जो मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिए हुए बेल के आइकन को दबा दीजिए, ताकि मैं जो नई नई वीडियो अपलोड करूँगी आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए।
तो गाइस मैं तो यहाँ बहुत एंजॉय कर रही हूँ, और आपने कैसे एंजॉय किए मेरे वीडियो को और रोड ब्रिज को प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, ताकि मुझे बहुत अच्छा लगेगा। गाइस यहाँ का पानी बहुत ठंड लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, और लगता है इसके पास के गांव के लोग यहाँ नहाने आ रहे हैं। देखिए वहाँ लोग किसे नहा रहा है, शायद ये पास के गांव के लोग हैं जो वहाँ नहा रहे हैं। देखिए हम दिखाते हैं आपको, देखिए किसे नहा रहे हैं वो लोग। तो गाइस शाम होते जा रहे हैं और हमको वापस शिलंग जाना है, तो हमको अभी निकलना है यहाँ से। तो गाइस हम चलते हैं, और बहुत भूख लग रहा है, रास्ते में कोई रेस्टोरेंट वगैरह देखकर वहाँ से कुछ नूडल्स वगैरह हम खा के वापस चले जाएंगे शिलांग। तो गाइस हम चलते हैं, टाटा बाय बाय, हैव ए गुड डे, टेक केयर, फिर मिलेंगे और एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।